आपकी विधानसभा में हमारी टीम आप तक पहुंच रही है और आपके इलाके के हालातों पर आपसे रूबरू भी हो रही है। चुनावी मौसम में क्या स्थानीय मुद्दे हैं, क्या सरकार के काम को पसंद किया गया है, क्या प्रदेश में बीजेपी को तीसरी बार जनता बहुमत से जिताने के लिए तैयार है या फिर किसी बदलाव की संभावना है, इन सभी मुद्दों पर हमने खुलकर मतदाताओं से बात की है। आपकी विधानसभा में अब सुनते हैं कुरुक्षेत्र की जनता का क्या कहना है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, यहाँ पे धर्मशालाएं और मंदिर हैं सबसे ज्यादा, और यहाँ विकास ये हुआ कि मैक्सिमम धर्मशालाओं में जातीय द्वेष पैदा किया गया है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो काम हैं वो आज हमें गिनाने की जरूरत नहीं है, जनता खुद इसको लेकर खुद ही अपने आप बयां कर रही है। क्योंकि आज जो विकास पूरे हरियाणा में हुआ है, हमारे माननीय पूर्व में रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की अध्यक्षता में काफ़ी हरियाणा में विकास कार्य चले, और जो बच्चों को युवाओं को रोजगार बिना पर्ची बिना खर्ची, जो ऐसे ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप रिक्शा रेडी दिहाड़ी करते थे, उनके बच्चे एक ऑफिसर रैंक तक पहुँचे हैं। हम दोनों पार्टियों से, कांग्रेस पार्टी से भी बीजेपी पार्टी से भी, दोनों से अपने समाज के लिए और पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए, जैसे विधानसभा चुनाव अभी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें हमें मिलें कम्प्लीटली, तो कभी भी कोई खुश हो ही नहीं सकता, कोई भी है, चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है। अभी हमने कुरुक्षेत्र की जनता को सुना और अब हम सुनते हैं कि रोहतक की जनता का क्या कहना है। बीजेपी की स्थिति देखने में तो देखो अच्छा ही लग रहा है, जो कि लोग देखते हैं प्रचार हो रहा है या जो भी है, बहुत अच्छी स्थिति है। बाकी तो इलेक्शन का रिजल्ट बताएगा क्या रहता है। कांग्रेस और बीजेपी दो ही है रोहतक में, ठीक है, और जिसको देखते हुए इन दोनों की टक्कर है। अभी तक तो यूं है कि बीजेपी भी आ सकती है कांग्रेस भी, बस कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, कुछ कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। मजबूत दावेदार होगा तो जीत जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा मजबूत दावेदार थे, सीट निकाल गए, और उसी तरह यहाँ पे भी विधानसभा में भी जो मजबूत दावेदार होगा वो सीट निकाल जाएगा जी। एक वोट काटने की पार्टियाँ रह गई हैं, लोगों को समझ आ चुका, जनता को समझ में आ चुका है कि सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। आपका वोटर ये चाहता है कि मैं जीतने वाले की तरफ जाऊँ, आम जो टिल्टिंग वोटर है वो जीतने वाले की तरफ ज्यादा जाना चाहता है, और वोटर आगे अनुसार है वर्सेस कर लेते हैं कौन जीत में कौन हार में है, और जो जीतता दिखेगा उसके तरफ जाएगा। और इसी के साथ आपके विधानसभा में इतना ही, आप देखते रहें सूर्य समाचार।